आपको जान के हैरानगी होगी कि बहुत से ऐसे समुद्री जीव जिन्हें नियमित तौर पे भारत में नहीं खाया जाता, जैसे डॉल्फिन, सी हॉर्स, कुछ तरह के समुद्री कछुए, इन्हें भी फिशिंग कंपनियां नियमित तौर पे पकड़ती हैं। लाखों मछलियों को एक साथ पकड़ने का कारगर तरीका है ट्रॉलिंग। एक बड़ा सा जाल पानी के नीचे बिछाकर खींच दिया जाता है, जिसमें लाखों मछलियां एक साथ फंस जाती हैं। लेकिन इनमें डॉल्फिन और कछुए जैसे अनेक जीव जिन्हें नहीं पकड़ना था वो भी फंस जाते हैं, और इन्हें कहा जाता है बाईकैच। लेकिन बाईकैच ज्यादा मुनाफा नहीं देते, इसलिए इन्हें बेपरवाह तरीके से फेंक दिया जाता है। ट्रॉलिंग ना सिर्फ मछलियां बल्कि मछलियों के घर, समुद्री घास और कोरल्स तक समुद्र से उखाड़ देती है। अब सरकार ने तरीका बंद तो नहीं किया, फिर भी इस पे थोड़ा नियंत्रण है, और भारत में खाए जाने वाली अधिकांश मछलियां आती हैं नदियों और तालाबों से। नदियों में मछली पकड़ने के लिए पारंपरिक तरीके से जालों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी जाती। तो कई जगह नदियों में जहर मिलाकर गैर कानूनी तरीके से एक साथ कई मछलियों को मार दिया जाता है। लेकिन ये तकनीक पानी को जहरीला बनाती है और उनके लिए खतरनाक है जो उस पानी पर निर्भर है। कई जगह मछलियां पकड़ने के लिए पानी में बारूद से धमाका किया जाता है, जिस वजह से उस जगह की मछलियां मर के अपने आप ही पानी की सतह पे आ जाती है। इस तकनीक का प्राकृतिक गतिविधियों पे बुरा असर पड़ता है और ये गैर कानूनी भी है, लेकिन आज भी कई जगह इसका प्रयोग होता है। और एक तरीका है मछलियों की खेती करना। इसमें लोग तालाब बना के मछलियों के अंडे बीज की तरह डालते हैं और मछलियों की फसल तैयार करते हैं। अब प्रदूषण तो इससे भी होता है, लेकिन इसमें किसी का सीधे सीधे नुकसान नहीं होता सिवाय मछलियों के। फिश फार्मिंग का साइकिल शुरू होता है एक प्रोसेस से, जिसे कहा जाता है फिश मिल्किंग, जिसमें मादा मछली के अंडों को हाथ से निचोड़कर निकाल दिया जाता है, और नर मछलियों के स्पर्म्स को भी इसी तरह निकाला जाता है। इन अंडों को अब छोटे तालाब में ही फर्टिलाइज किया जाता है, जिनमें से अब मछलियां निकलेंगी। जहां मछलियों के पास तैरने के लिए पूरा का पूरा समुद्र या नदी होनी चाहिए, वहीं फिश फार्मिंग में हजारों मछलियों को एक छोटे से तालाब में रहना पड़ता है। जब मछलियों को पकड़कर पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। इन तड़पती मछलियों को हजारों की तादाद में कंटेनर्स में भर दिया जाता है, जिससे वो कुचली जाती है। साथ ही मछलियों के शरीर के जिन भागों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उन्हें उनके जिंदा रहते ही काट दिया जाता है। तो अगर हम डॉल्फिन के प्रति संवेदनशील हैं, वातावरण के प्रति संवेदनशील हैं, तो बाकी मछलियों के प्रति क्यों नहीं?